15 अगस्त और रक्षाबंधन के दिन हम लोग ओपीडी फ्री रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लोग आएंगे ओपीडी और उनका जो भी हेल्थ चेकअप जो होगा ये फ्री होगा हमारे हॉस्पिटल। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ मेडिकाना हॉस्पिटल और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद काजिम अनवर साहब। उनसे जानना चाहेंगे इनके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या सुविधा है। जी सर, डॉक्टर मोहम्मद काजिम अनवर, मेडिकाना हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना से। हम लोगों ने यहाँ पे पटना में बेस्ट सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। जो सारे यहाँ गांव से पेशेंट आते हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। और बहुत अच्छे मतलब के डॉक्टर की एक टीम है हम लोगों के पास, जो कई लोग दिल्ली एम्स से आए हैं और लखनऊ पीजीआई से भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे एम्स से कई लोग हैं, मेरा कुछ डायरेक्टर जो है NMCS से भी हैं। सारे लोगों ने मिलकर हम लोग पूरे बिहार के लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोगों का, जो कार्डियो में भी अच्छा काम कर रहे हैं लोग, न्यूरो के फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं और गैनी में भी अच्छा है, पीडिया में भी अच्छा है। तो सारे लोगों को हम चाहेंगे कि हाँ, हमारा कम चीप रेट पे काम हो रहा है, बेस्ट से बेस्ट सुविधा उठाए। कब से ये हॉस्पिटल आपका यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड? वन ईयर से, एक साल से हम लोग इसको सुविधा दे रहे हैं। कैसा यहाँ पर रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। हमारे लगभग 15-20 पेशेंट का ICU में रेशियो है कंटिन्यू, और अच्छा बहुत कम रेट में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप और लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं। कहाँ कहाँ से पेशेंट लोग आ जाते हैं और किस किस तरह के ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादा मेरे पास नेफ्रो के पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं और कार्डियो के भी पेशेंट हैं। और हम लोग उत्तरी बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये छपरा, सिवान, जी मुजफ्फरपुर के लोग भी बहुत यहाँ से सुविधा उठा रहे हैं हमारे यहाँ। और एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी पटना हॉस्पिटल को लेकर है कि बाहर से जो लोग पेशेंट आते हैं यहाँ पे डरते हैं दूसरी जगह से, दूसरे जिले के, कि वहाँ पे ज़्यादा पटना में कुछ मेरे साथ इलाज हो जाता है, सही हो या ना हो, लेकिन पैसा लुटा जाता है। ये यहाँ पे ई कैसे दूर कर रहे हैं आप लोग? इसी क्षेत्र में हम लोग सारे टीम, हमारे यहाँ डॉक्टर डी अहमद साहब है, उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी का बोलता मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर अजमत करीम साहब है, उन लोगों ने काफ़ी उनके देख रेख में ये सब काम हो रहा है। और जितने सारे टीम है, हर आदमी का एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट है कि किस क्षेत्र में किनको देखना है। तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा किसी तरह का चार्जेस नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट के पॉकेट के हिसाब से ही काम हो, किसी तरह का मेडिसिन मिला, ज़रूरत का जाँच, ये सब इस चीज़ पे हम लोग बहुत देख रेख के काम करवा रहे हैं। अभी एक आज ही काम बता रहे हैं कि सरकार का गाइडलाइन आया है कि अब जो भी डॉक्टर लिखेंगे जेनरिक दवा ही लिखेंगे, क्या लगता है ये सही निर्णय है आपको? उसको अभी तो नहीं बात आई है, इसको हम लोग देखेंगे क्या है, हमारी टीम वर्क इसको समझेगी, उसके हिसाब से हम लोग उस पर पहल करके आगे जो बेहतर होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का क्या आया रूल उसको देखेंगे हम लोग, जो भी गाइडलाइन वो फॉलो करेंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट का जो उस तरह का कुछ रूल होगा वो मेरी मेडिकल टीम जो उसको डिसाइड करेगी, फिर हम लोग मिलजुल कर उस पर काम करेंगे। यहाँ पे कितने टीम आप लोग की काम कर रही है डॉक्टर लोग की, जो भी हर तरह के इलाज इमरजेंसी के लिए? अभी मेरे पास लगभग 30 से 35 डॉक्टर कंटिन्यू रेगुलर हैं, जो OPD भी देख रहे हैं, IPD भी देख रहे हैं। और हम लोग और आगे भी इसमें जो यहाँ बिहार से बाहर जो पेशेंट जाते हैं उसको उसका भी सुविधा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। वह पटना में ही रहे, वह सारी सुविधा जो दिल्ली में है, लखनऊ में है, वह सारी सुविधा हम लोग पटना में मेडिकाना हॉस्पिटल में ये हम लोग उसको सुविधा प्राप्त कर रहा है। सारे पेशेंट को, गरीब पेशेंट का भी और अमीर पेशेंट का, सारे पेशेंट का इलाज मेरे यहाँ, सबको बराबर एक नज़र से हम लोग देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मोहम्मद काजिम अनवर, मेडिकाना हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना,
मैं अपने पूरे टीम के तरफ से रक्षाबंधन और 15 अगस्त के अवसर पे पूरे हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। सब लोग मिलजुल कर आगे काम करें और हेल्थ में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आइंदा फिर और सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे और कुछ नई चीज़ हम लोग ले कर आ रहे हैं और नई चीज़ देंगे नेक्स्ट मंथ में अगस्त के बाद, ये 15 अगस्त के सुबह सर। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के दिन हम लोग OPD फ्री रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लोग आएंगे OPDs और उनका जो भी हेल्थ चेकअप जो होगा ये फ्री होगा हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। मतलब दो दिन चलेगा ये, एक दिन का कैंप? दो दिन चलेगा। कितनी टीम रहेंगी डॉक्टर? ऑलमोस्ट हर एक सारे डिपार्टमेंट की टीम रहेंगी। सारे टीम जनरल फिजिशियन देखेगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो बाकी डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे। अपना नाम बताइए परेश। मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद अहमद, मेडिकाना हॉस्पिटल सर। ये कहाँ पे है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल काटी फैक्ट्री रोड में है, ठीक है ना। ये काटी फैक्ट्री रोड कंकड़बाग पटना 26।